नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कई नेता पाला बदल रहे हैं तो कई बदल सकते हैं। इस बीच मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ा एक ट्वीट करते हुए दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्विटर बायो से भाजपा का नाम हटा दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कांग्रेस नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया है। यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि उसलों पर आंच आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हटाया ट्विटर से भाजपा का नाम। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर पार्टी बदलने का मूड बना रहे हैं। इसके जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद मोर्चा संभाला और ट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सुबह शाम केवल झूठ और प्रोपोगेंडा फैलाना है। मेरे ट्विटर बायो से अच्छा अगर जनता की मन की बात पढ़ ले होती तो 15 महीने में भ्रष्ट सरकार न जाती। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना ट्विटर बायो बदला है? इस सवाल के जवाब में कई फैक्ट चेक वेबसाइट ने दावा किया है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने फिलहाल अपना बायो नहीं बदला है। फैक्ट चेक वेबसाइट ने बताया कि कभी उन्होंने अपने बायो में भाजपा लिखा ही नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल केंद्र सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री हैं। वे कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए थे। जब ट्विटर पर बायो बदलने के लेकर चर्चा होने लगी तो सिंधिया ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सुबह शाम केवल झूठ और प्रोपोगंडा फैलाना उनका काम है। मेरे ट्विटर बायो में अच्छा अगर कांग्रेस जनता के मन की बात पढ़ ले तो 15 महीनों में भ्रष्ट सरकार न जाती। इस दौरान राजगढ़ जिले के चाचौड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सिंधिया की याद आती है क्योंकि उनकी उपस्थिति कांग्रेस के लिए फायदेमंद थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिंधिया में क्षमता है और वो अच्छे वक्ता है। गौर करने वाली बात यह है कि लक्ष्मण सिंह का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर पार्टी ने आदेश दिया तो वो लोकसभा सीट से सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है। सिंधिया ने 2019 में अपने परिवार के पारंपरिक गढ़ गुना से चुनाव हार गए थे। पत्रकारों से बात करते हुए लक्ष्मण सिंह ने ये भी दावा किया है कि भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि वो भगवा पार्टी से नाखुश है और जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ते ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आकर गिर गई थी और बाद में शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनी थी। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर है, वो दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी मेरा। बता दें 2020 में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल केंद्र सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री हैं। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ते ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आकर गिर गई थी और बाद में शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनी थी। ट्वीट को लेकर आखिर सच क्या है? क्या वास्तव में सिंधिया ने अपने बायो से भाजपा हटाया है या फिर फैक्ट चेक वेबसाइट की जांच सही है, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप बड़ी खबरों को देखने के लिए